हेलो फ्रेंड्स नाउ इन टुडेस क्लास वी आर अबाउट टू डिस्कस गोल्डफील्ड क्वांट टेस्ट वी यूज दिस टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोस की डास्टिसिटी इन द डेटा डेटा में हेट्रोस की डास्टिसिटी है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हम ये टेस्ट यूज करते हैं गोल्डफील्ड क्वांट टेस्ट दिस टेस्ट वॉज गिवन बाय स्टीफन एम गोल्डफील्ड एंड रिचर्ड ई क्वांट इन दो लोगों ने टेस्ट दिया था अब ये टेस्ट हम कब यूज करते हैं कैसे इसको हम यूज करते हैं देखिए, इट कैन बी यूज एरर वेरियंस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वन ऑफ दू का और किसी एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें लिखा है वहां पे सपोज हम मॉडल मान लेते हैं मॉडल मान लिया हमने तो यहां पर जो एरर वेरिएंस होगा सिग्मा आई स्क्वायर मैं सिग्मा आई इसलिए यूज कर रहा हूं सर कि हम बात कर रहे हैं की ठीक है तो हम मान रहे हैं आपके मॉडल में हाइट्रोस कैपेसिटी है उसको टेस्ट कर रहे हैं बस है कि नहीं तो दैट इज वाई आई एम यूजिंग सिग्मा आई सिग्मा आई स्क्र इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद एक्स आई सो सिग्मा आई स्क्ट सिग्मा स्क्वायर इन टू एक्स आई सिग्मा स्क्वायर लेने का मतलब यह है कि हमें किसी पैरामीटर का स्क्वायर करना है क्योंकि पैरामीटर किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव ही आता है तो व्हेन आई हैव डन सिग्मा स्क्वायर दैट मींस सिग्मा स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव सो सिग्मा स्क्वायर हैज अ पॉजिटिव रिलेशन विद एक्स सिग्मा लिया क्योंकि वेरिएंस की बात कर रहे हैं आप कोई भी पैरामीटर यहां पे ले सकते थे अल्फा बीटा गिटा थीटा कुछ भी लेना चाहे ले सकते हैं मगर सिग्मा हमने इसलिए लिया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएंस वेरिएंस की बात करें से मैंने यहां पर सिग्मा लिया है सो सिग्मा स्क्वायर इज पॉजिटिवली रिलेटेड

मैं यहां पे आपको मार्क करता हूं देखिए जैसे जैसे की वैल्यू बढ़ रही है जैसे की वैल्यू बढ़ रही है आप देख रहे हैं जो वेरियंस है जो वेरिएशन है जो है है दिस इज राइजिंग स्कैटरनेस ग्राफ की वो बढ़ती जा रही ठीक है थीके? तो यही हम यहां पे कह रहे हैं कि वेन एवर वेरियंस इज इंक्रीजिंग विद वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स देन वी हैव टू यूज दिस गोल्ड फेल्ड क्वांटेस्ट देखिए सेकेंड डायग्राम मैंने बनाया आपके लिए यहां पे आप देख पा रहे हैं क्या

पहला स्टेप ये है अरेंज द ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर हमने मॉडल यही लिया so, जिसके ऊपर जिस आपको डाउट है कि ये वेरिएबल जो है इससे एरर वेरिएंस का पॉजिटिव रिलेशन है उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए ठीक है और याद कीजिएगा ये ध्यान रखिएगा वेन वी आर चेंजिंग एक्स वी हैव टू चेंज वाई एज वेल जब एक्स को चेंज करेंगे वाई को भी उसके साथ साथ चेंज करेंगे ठीक है जी जब एक्स की वैल्यू हमारे पास uh, मैं आपको देखिए लिख के दिखाता हूं यहां पर सी दीज ब्लैक वैल्यूज दे आर द ओरिजिनल डेटा सपोज दीज आर द ओरिजिनल डेटा आई हैव टेकन वेरी स्मॉल डेटा ओके जस्ट फॉर मेकिंग द पॉइंट क्लियर यू कैन सी दैट वी हैव वाई वैल्यूज इन करस्पोनिंग टू वाई वी हैव वैल्यूज द पॉइंट इज द स्टेप इज दैट वी हैव टू अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर

This is the first step that we have to arrange the data according to x values in ascending order, and I'm I'm making uh, I'm using x because I have assumed that uh, error variance is uh, positively related with x. If there are more than uh, one variable, in, uh, more than one explanatory variables, then whichever variable, uh, uh, regarding whichever variable you have concerned that to with this variable error variance is, with this variable the error variance is positively related, we need to arrange the data in ascending order according to that variable only. now once we have uh, arranged the data, now we have to omit c central value, c is some number. Right? like the question will give you how many values you we have to omit from the data. like suppose you have, have 50 values, suppose, and c is uh, 8. so 8 central values will be eliminated. so 21 values of the top will be left and 21 values of the bottom will be left. right? so this c is some uh, natural number and this value of c would be given to you by the question only we have to just re remove those c values from the center right now next is after removing c values we have two data set one is the first part the upper part which lie above those c values and second is the lower part which lie those which lie below those c values right so, we have to fit two regression models, one for the upper data set and second for the lower data set. Right? One for upper data set, second for lower data set. And we have to find their RSS. One thing you must uh, remember now that because we have eliminated C values, so all in all, now we have n minus C observations. n minus C. Okay? And out of those n minus C, half, n minus C by 2, are in the upper part and remaining half n minus c by 2 are in the lower part so for the upper part you fit the regression model you call it regression 1 and from that regression you find rss we call it rss1 you also fit the regression model for the lower data set and find the rss we call it rss2 degrees of freedom what, what are degrees of freedom basically it is uh, the sample size minus number of parameters n minus k right

and obviously alternative is that there is heteroscedasticity. Then we find test statistic. We are using F test here. F is RSS2 upon degrees of freedom of second, n means lower part, divided by RSS1 divided by degree of freedom of uh, upper part. And uh, because uh, degree of freedom 2 and degree of freedom 1, they are always going to be equal, so they, in any case they are going to be cancelled out because for numerator, degree of freedom is n minus c by 2 minus k

अल्फा आप कुछ भी ले सकते हैं क्वेश्चन ने नहीं दिया तो फाइव परसेंट लेके चलते नॉर्मली हम लोग सो वी कंपेयर इज लेस क्लियर है बात स्टेप्स नोट कर लिया आपने एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं देखिए वैसे तो लाइक पूरा मॉडल फिट करके आर निकालना इट विल वेरी लेंथी

डेटा ऑन कंजाम एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम थर्टी फैमिली हम लोग so so में से सी गई ट्वेंटी सिक्स रहेगी एक बात याद रखियेगा ये सी ऐसा होगा दैट आफ्टर ड्रॉपिंग सी द रिमेनिंग पोर्शन विल बी इवन ओनली आधी ऊपर होंगे आधी नीचे होंगे इवन होगा हमेशा ऑड नहीं होगा वर्णा हम कभी नहीं कर पाएंगे तो अगर

y cap i is 3.4094 plus 0.6968 xi नीचे उनके standard error हैं r square है इनमें से कुछ नहीं चाहिए मुझे I just need RSS RSS one is given 377.17 RSS similarly we have model for second data set lower data set and we have RSS two as well 1536.8 एक बात ध्यान दीजिएगा we have 13 values we have 13 values in the upper part So, degree of freedom will be 13 minus k, k is 2 here, beta 1 beta 2, there are 2 parameters, 13 minus k means 11, 11 is the degree of freedom for for the upper part, 11 is degree of freedom for lower part. So, okay? we need RSS 1, we need RSS 2, we already know what is RSS 1, we already know what is RSS 2. So, we jump to the next part, we have to find the test statistic, first we define the, uh, the hypothesis

377.17 when you divide it roughly it is roughly equal to approximately 4.07. Now we have to find the critical value of f. For this, we need degree freedom of numerator which is 11. We need degree freedom of denominator which is also 11. We assume that alpha is 5%. So at 5% we have found that f alpha is 2.82. Okay, now you can clearly see that f is greater than f alpha. F is f is 4.07 f alpha is 2.82 so f is greater than f alpha hence we reject the null hypothesis and we may conclude that there is heteroscedasticity in the error variance we have because we are rejecting the null hypothesis f is more than f alpha so we have to reject null hypothesis when we are rejecting null hypothesis it clearly means that there is heteroscedasticity yes the model is suffering from the problem of heteroskedasticity हम ऐसा सजेशन करते हैं देखिए कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो ब्लैक एंड व्हाइट में कर देगा नो दर इज नो हेट्रोसिला इज नो स्कीस्टिस ठीक है तो ठीक है जी तो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी अप्लाई गोल्ड फिल्ड क्वॉंट टेस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक ठीक है ओके थैंक यू